अगले हफ्ते हमारे पास ये एक मोमेंट भी नहीं होगा। सलाम है आप दोनों को, वाह 50 साल से ऊपर का इंसान हीरो हो सकता है। That was a goosebump, made history कि फिर वो कहता है उसने जाना ही नहीं था कभी मेरे साथ। बारान ने ये कहा ना, हाजी साहब ने जब कहा कि अगर वो चली जाती, उसने कहा उसने जाना ही नहीं था, अगर वो चली जाती तो सारी अफगान बरादरी पे ये बात आती। तो ही सेड फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? उसने कहा मैं सिर्फ ये देखने आया था कि वो महफूज है, इज्जत से है, प्यार से है। सो एक और कन्फ्यूजन बहुत खूबसूरती से राइटर ने सॉर्ट आउट कर दिया। और जहाँ पर बारान कहता है भी अपने साथ चलने के लिए, वो उस वक्त कहता है जब गफ़ार उस पर अटैक कर रहा होता है बार बार। एग्जैक्टली कि तुम अब सेफ नहीं हो, यू आर नॉट। हाँ, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मिथ्स को, गलत थिंकिंग को तोड़ा है इस ड्रामे ने। सास बहू को तोड़ा है, ठीक है ना, सास बहू बिकता है। सास ही नहीं इसमें, तो सीरियस एक सास नहीं थी, सास बहू बिकता, सास फुप्पो मर गए हैं हम ये सुन सुन के। सास बहू ही बिकता है, यही बिकता है, शादी बिकता है, बच्चों की शादी, बड़ों की शादी। मेड हिस्ट्री एंड टोल्ड एवरीवन हु यूज्ड टू से दिस के ये जरूरी नहीं है, ये आप बनाएं, बेशक बनाएं, सास बहू में किसी को एतराज नहीं है, मगर लोगों की इंटेलिजेंस को अंडरमाइन ना करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि 50 साल से ऊपर का इंसान हीरो हो सकता है, अनदर मिथ ब्रोकन, है ना। हीरो को 6 पैक, जमे हुए बाल, काले रंग के होना ज़रूरी नहीं है। वो 50 साल प्लस हो सकता है, जबकि उसकी हीरोइन 20 साल की भी हो सकती है। और जो दूसरा हीरो बारान की शक्ल में हमें मिला, वो एक नॉर्मल लुकिंग इंसान हो सकता है, वो जिस जो कि अच्छा भला हैंडसम है अदरवाइज, लेकिन उसने आपको ग्लैमराइज किया है, स्कार तो वे हिस्से। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस ड्रामे ने हमें बताई है, सिखाई है, हमें पता था, हम कई दफ़ा यू नो अंडर द कार्पेट कर देते हैं चीज़ों को, कि डायरेक्टर कितना ज़रूरी जुज है किसी भी ड्रामे का। डायरेक्टर का होना कितनी कमाल बात है, कितनी सारी खूबसूरत कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हमें नहीं पता जिन ड्रामों को हम रिव्यू कर रहे हैं वो पढ़ने में कितने मज़े के थे, हाँ, है ना। उनमें से कई अगर आपके या मेरे पास आए होते तो हम शायद कहते कि ये तो बहुत अमेजिंग कहानी है, लेकिन दे वर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बिकॉज उनको डायरेक्टर नहीं मिला। तो एज एन इंडस्ट्री हमें डायरेक्टर बनाने की कितनी शदीद ज़रूरत है। और 4th चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक और चीज़, कि इसमें नॉर्मली जो हमारे वो टॉप 5 एक्टर्स या एक्ट्रेसेस नहीं हैं, स्टार्स नहीं हैं, इसमें उन्होंने वो लोग उठाए जो करेक्टर्स से, जो स्टार दो हैं ना, राइटर और डायरेक्टर, जो असल स्टार हैं किसी ड्रामे के, किसी फिल्म के, थिएटर हो चाहे टीवी हो चाहे फिल्म हो, असल इमोजी। देखो इमोजी जो है ना वो मेरे पास है नहीं इस वक्त। मेरा इमोजी जो है ना वो एक्चुअली ये है, because I'm sad. खत्म हो गया। I know it's ended. अगले हफ्ते हमारे पास ये एक मोमेंट भी नहीं होगा। I know. नहीं I hope कुछ अच्छे मोमेंट होंगे, कुछ नए ड्रामे हमें ऐड करने वाले। Man please come. So otherwise it's All my hands, please, 4 यहाँ और thumbs up है। वो होता है ना कि लोग अपने आईब्रोज भी ऊपर कर सकते हैं, ears भी। अच्छा जी, आप राइटिंग और डायरेक्शन की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि हमेशा से उस पर हम एक साथ ही बात करते थे। हाँ। आयशा कहती है बारबीन, एक तो वही राइटिंग का मोमेंट था जहाँ वो थप्पड़ मारती है गफ़ार को, और उसके बाद कहती है कि अगर मुझे हक होता तो 3री तलाक तो मैं देती, और फिर कट टू हाजी साहब एंड स्माइलिंग, ठीक है ना। क्या अच्छे तरीके से एक एक कैरेक्टर को आप अपने फाइनल मोमेंट पे, वाइंड अप पे लेके गए हैं, और आपने सबकी कहानियों को जो जैसा हम देखना चाहते थे, क्योंकि आप हमारे लिए ड्रामा बनाते हैं ना, तो हमारा रोपन होना ज़रूरी है। फिर वो मोमेंट जहाँ आयशा कहती है बारबीना को कि चली जाओ तुम बारान के साथ, तुम्हारे इलाके का है, तुम्हारा ज़बान समझता है, यू नो हिम। वो कहती है अगर मैं उसका हाथ पकड़ के आई होती ना तो वापस चली जाती, उसके पैर पकड़े थे मैंने कि अपने कदमों में रहने दे, छोड़ के कैसे जाऊं। दैट वाज अ गूज़बम्स डायलॉग। शमीम और हाजी साहब का कल्मिनेशन हेड से शुरू होके और अंडर किसी कंफ्यूजन मिसट्रस्ट से होता हुआ कैसे दोस्ती पे ख़त्म हुआ है, ज़रूरत पे ख़त्म हुआ है कि आखिर में हाजी साहब ऑल्सो रियलाइजेस कि यही औरत है जिसको मैं, मेरी सारी सिचुएशन समझ आ रही है और ये मेरी खैर खा है। और वो कहती है कि भूल जाओ उसको, तो कहते हैं कि आई हैव टू रीड दिस प्रिसाइसली, उसे जीते जी कैसे मार दूँ मैं ज़िंदा ही उसके इंतज़ार में हूँ, आज ये उम्मीद ख़त्म हो तो कल मर जाऊँगा। That is a beautiful scene. बहुत प्यारी लाइन, क्या सीन, बहुत मजे का। एंड देन काशिफ निसार, एक तो मैं इस ड्रामे के एडिटर को बहुत शाबाश देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक मोमेंट ऐसा नहीं मिला कि मुझे लगा हो कि एडिट का भंड है। टॉप डाउन ज़ाहिर है, एवरीथिंग गोल्स, काशिफ हैं तो ज़ाहिर है नीचे भी सब बेहतरीन होंगे। दूसरा, मैं बहुत वाह वाह और अशश करना चाहती हूँ म्यूज़िक पे। वो एक पीस जो आता था ना टेंशन वाली जगहों पे, वो इतना दिल का को दहला देने वाला था। और फिर गाना, दोनों गाने, दोनों जैसे एंड में आया था वही वाला टूटी टूटी फूटी, दूसरा भी तो है राहत वाला, ब्यूटीफुल। ये कहते हैं लिरिक्स एनहेंस करते हैं सिचुएशन को। अब बताओ यहाँ डायलॉग की जरूरत ही नहीं रही, उसने कहा मैं अकेली थी, हो गई पूरी पालिया तुझको, है ना। सो इस ये सीखने की जगह है, इतनी सीखने की जगह है, कोई सीखने वाला भी हो। फिर ये वही जगह जो अभी नादिया ने कही, जो कि कंफ्यूज, क्योंकि मरीना कह रही है ना कि इजाज़त ही नहीं देता चैनल इस तरह का शॉर्ट बनाने की, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। बट इस डायरेक्टर ने ली है इस दफ़ा वो मार्जिन और कहा है कि मैं एक दफ़ा तो कर लूं मैं, है ना। ये एक शॉट और एक जगह और थी डायरेक्शन में, आई थिंक दिस वॉज ब्यूटिफुल, इंटेंशनल। एंड हाजी साहब का पहला ही सीन था जिसमें सब बैठे हैं और बात करें, द होल फैमिली इज देयर। हाजी साहब का शॉट जो था ना, बिल्कुल एज ऑफ द फ्रेम पे एक प्रोफाइल जो कि इतना रह गया था, इट वाज इट लिटरली टेक दिस मच, इट टुक अप द होल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे के एक लेफ्ट कॉर्नर में सिर्फ इतना मुंह है। दैट वाज फिनोमिनल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। 20 नंबर, हां फुल मार्क्स मिले हैं रुबीना जी की तरफ से राइटिंग और डायरेक्शन में, ज़फर मेराज और काशिफ निसार। मेरी तरफ से सलाम है आप दोनों को, वाह वाह जबरदस्त, बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस थे थ्रू आउट। जहाँ वो खामोशी से देख रहे हैं, जहाँ उनकी तकलीफ है, क्या कहें, 10 10। हाँ। मरीना जी और हाजी साहब, हाजी साहब बेस्ट एक्टर ले जाएंगे। या बेस्ट एक्टर आई थिंक इस दफ़ा कि इस डे एंड एज में आकर जो ब्यूटी, लुक्स, मेकअप, हेयर, फैशन को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं दैट वी गेट अ हीरो